दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में टाइम टाइम पर बहुत सारे एग्जीबिशन लगते रहते हैं, ट्रेड फेयर लगते रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे ब्रांड आते रहते हैं, बहुत सारी मशीनरी आती रहती है, बहुत सारे ऐसे ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट आते रहते हैं। लेकिन आपको आपके लिए टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज़ लेना, यूँ तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली के प्रगति मैदान में बहुत सारे इंस्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन हम आपके लिए सिर्फ चुनिंदा वही आइडियाज़, वही प्रोडक्ट और वही मशीनरी लेके आते हैं जिसको करके आप अपना फ्यूचर बना सकें, अपना एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी मैंने वीडियो शूट की हुई है, ये आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन इसकी तभी मिलेगी, यह जानकारी आपको तभी मिल पाएगी, नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। सब्सक्राइब करने के बाद जब भी हम कोई वीडियोज डालते रहते हैं इस टाइप की, यह जानकारी आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जो बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, और यह जो बिजनेस है कभी भी किसी भी चैनल पर नहीं डाला गया है, और यह डाला जा रहा है सिर्फ आपको अजीत बिजनेस आइडियाज़ पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम आपके लिए हमेशा यूनिक प्रोडक्ट और यूनिक मशीनरी और यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आते रहेंगे, तो दोस्तों वही बिजनेस और वही कॉन्सेप्ट लेके मैं आपके पास पहुंच चुका हूं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे कंट्री में ड्रोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और काफ़ी सारे लोग बाहर से यानी कि चाइना से इम्पोर्ट करवाते हैं और उसका बिल वगैरह भी नहीं मिल पाता है और वारंटी वगैरह की भी दिक्कत होती है, सर्विस की बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों को ड्रोन का रिक्वायरमेंट होती है और ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है जिसकी हर किसी को रिक्वायरमेंट है। दोस्तों कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, आप किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, तो मेड इन इंडिया है ये बिल्कुल प्रोडक्ट जो मैं आपको लिए आज लेके आया हूँ सर से मिलने के लिए स्पेशल एग्जीबिशन में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। और तो सर बताइए कि औरों से क्यों हटके हैं, क्योंकि ड्रोन मार्केट में और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, चाइना से लोग इम्पोर्ट करवाते हैं, आपके में और उसमें क्या डिफरेंट है? और जैसे कि आपने बताया कि चाइना से लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम तो पूरी तरह से स्वदेशी हैं, हमारा तो नाम ही वैमानिक है, वैमानिक शास्त्र हमारे यहाँ लिखा गया था और विमान हिंदी में कहा जाता है एयरक्राफ्ट्स को, और तो वैमानिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज हमारी कंपनी का नाम है और हम लोग TBI काइट गाज़ियाबाद में इंक्यूबेटेड हैं, जो DST से हम लोग फंडेड हैं, सपोर्टेड हैं भारत सरकार के द्वारा, और हम लोग स्वदेशी ड्रोन्स बनाते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के कार्बन फाइबर वगैरह का इस्तेमाल करके। जैसे आपने कहा चाइना से लोग ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल चाइना वर्ल्ड लीडर है ड्रोन्स बनाने में, जो पूरे मार्केट कैप्चरिंग है पूरे वर्ल्ड वाइड। बट अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज़ ड्रोन्स को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, आप उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है, अगर आपको जब्त कर लिया जाएगा कस्टम्स के द्वारा। और उसके बाद अगर बहुत सारे, जैसा कि आपने बताया कि लोग खरीद रहे हैं, इवेंट्स में यूज़ हो रहा है ड्रोन, तो बिल्कुल हो रहा है, हर शादी में यूज़ हो रहा है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। बट उसका क्या है कि ना तो आप अगर ख़रीदने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ना तो आपको उसका बिल मिलेगा, और जाहिर सी बात है अगर आपको बिल नहीं मिलेगा तो आफ्टर सेल सर्विस की तो कोई बात ही नहीं है, कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव DJI का इंडिया में नहीं है, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है चाइना की, और इसलिए वो सारे ड्रोन्स इलीगल हैं। DGCA जो है हमारे यहाँ गवर्निंग एजेंसी जो है ड्रोन्स की, उन्होंने नए रूल्स बनाए हैं जिसके अनुसार NPNT एक मॉड्यूल होगा, नो परमिशन नो टेक ऑफ, यानी कि अगर आपने ड्रोन भले ही आप रिमोट से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं बट अगर आपको DGCA से परमिशन नहीं मिली है तो ड्रोन आपका उड़ेगा नहीं, टेक ऑफ नहीं करेगा, और वो मॉड्यूल DJI ने नहीं लगाया है अभी तक, इसलिए उनके ड्रोन्स पूरी तरह से इलीगल हैं इंडिया में। तो जितने भी यूज़ हो रहे हैं, जब भी सरकार इन्फोर्स करेगी तो उन्हें समस्याएँ आने वाली हैं, और जो भारत निर्मित ड्रोन्स हैं इनमें हम लोग डेवलप कर रहे हैं NPNT मॉड्यूल्स और उनको लगा करके हम तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही बना रहे हैं। और हमारे ड्रोन्स जो हैं मैपिंग में इस्तेमाल होते हैं, आपको पता होगा स्वामित्व योजना के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मोदी जी ने लॉन्च किया है, 6,25,000 गाँव की ग्राम पंचायतों की मैपिंग हो रही है ड्रोन्स के द्वारा, जिसमें कि हमारी जो मैपिंग है सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेट मैपिंग होती है। आप देख पा रहे हैं जैसे ये इमेज है, एक पूरे कैंपस की इमेज है, इसमें क्या है बहुत सारी हम थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस कलेक्ट करते हैं ऊपर से और डिफरेंट एंगल्स पे, फिर उनको हम स्टिच करते हैं, उनसे हम ऑर्थोमोजेक्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी जो कुछ सर्विसेज हैं जिनमें हम इंस्पेक्शन करते हैं, पीरियोडिक इंस्पेक्शन, जैसे ये हो रहा है किसी मेट्रो का हो रहा है जहाँ पे ये बन रही है, तो इसमें गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि उनको
पीरियोडिक इंस्पेक्शंस ड्रोन से ही करवा के आप दे भी सकते हैं। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, आप कैसे दिखाएंगे, तो ड्रोन से ही दिखाए जाते हैं। कहीं पे कोई इलीगल इंट्रूजन हो रहा है, जैसे हम ये NH9 NH24 पे कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे काम हम लोग करते रहते हैं ड्रोन्स के माध्यम से। और हम जो मैपिंग करते हैं उसमें हम लोग DTM भी बनाते हैं, डिजिटल टेरेन मॉडलिंग, उसमें हमें एलिवेशन भी पता चल जाता है कहाँ पे ऊंची है ज़मीन, कहाँ पे नीची है। तो प्लानिंग के समय हमें ये पता चल पाता है कि वाटर फ्लो पैटर्न हमें कैसा रखना है और डिस्टेंसेस क्या हैं आपके उस एरिया में। आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम कर सकते हैं, अगर हीप्स ऑफ पड़े हुए हैं आपके रेत के, आपके गिट्टी के, मोरंग के, तो उनको भी हम कैलकुलेट करके एक बता सकते हैं कि ये इतना वॉल्यूम है इसका जो आपका रखा हुआ है। ये बहुत ही मददगार होते हैं। तो सर क्या ये कस्टमाइजेबल है, सपोज करो किसी को मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक के, मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं आपके पास? बिल्कुल सर, DGCA के अनुसार तो हमारा नैनो से लेकर के लार्ज तक कैटेगरीज होती हैं, डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ वेट, 250 ग्राम से लेकर के आपका 150 किलो से प्लस में भी होती है। तो हमारे पास जो ड्रोन्स हैं हम लोग बनाते हैं, आपका हम लोग मिनी से लेकर के और माइक्रो ये डेवलप करते हैं, 2 किलो से लेकर के 5 किलो तक के ड्रोन्स और 5 किलो से लेकर 25 किलो तक के ड्रोन्स ये हम लोग बनाते हैं। इसमें आपके लिए हम बना सकते हैं, अगर आपको डिफरेंट कैमरे के लिए जैसे रिक्वायरमेंट होती है, किसी को रिक्वायरमेंट होती है RGB विजुअल कैमरे के लिए, तो हम उसमें उस तरह के कैमरे इंस्टॉल कर देते हैं। किसी को थर्मल कैमरों के साथ रिक्वायरमेंट होती है तो हम वो बना सकते हैं आपके लिए। अभी वो क्वाडकॉप्टर करना है, हेक्साकॉप्टर करना है, ऑक्टाकॉप्टर करना है, डिपेंडिंग ऑन यूज़ केस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसको देखते हुए हम स्पेशल कस्टमाइज सॉल्यूशन जो है डेवलप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप दोनों तरह से प्रोवाइड करवाते हैं, अगर कोई ऐसे सिंगल पीस लेना चाहे वो भी करवाते हैं आप, वो भी कस्टमाइजेबल है, अगर कोई बल्क में क्वांटिटी में अगर कोई लेना चाहे तो वो भी अवेलेबल कर देंगे? जी बिल्कुल, हम सिंगल में भी प्रोवाइड करा सकते हैं, बल्क में भी प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम वैमानिक एरोस्पेस डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में भी मौजूद था, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स को कई जगह से सराहना मिली थी, कई इंटरनेशनल कस्टमर्स ने भी इंटरेस्ट जाहिर किया था। और बिल्कुल हम जो है क्वांटिटीज़ में भी प्रोवाइड करा सकते हैं, DST हमारे साथ है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है और हम स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी प्रोवाइड करा सकते हैं। सर कहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर होगा? जी सर, ये TBI काइट गाज़ियाबाद में है, मुरादनगर गाज़ियाबाद में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है जो कि DST से सपोर्टेड है, वहाँ पर हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। अच्छा, अगर हमारे व्यूवर्स आपसे कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है, ड्रोन लेना चाहता है, तो सर्विस कैसे हो पाएगी? अगर कोई गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, तो उसकी सर्विस कैसे होगी? टेक्निकल कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, तो उसके लिए कैसे सपोर्ट करते हैं आप लोग? सर सबसे बड़ी समस्या तो लीगल की ही आती है, उसके अलावा टेक्निकल समस्याएं कुछ नहीं है सच। हम पैन इंडिया अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हमारे कई जो हमारे साथ के लोग हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं कई जगह पर, कई डिफरेंट स्टेट्स में, तो उस तरह से हम उनके थ्रू जो ऑर्डर्स मिलते हैं उनको हम वो ड्रोन से भी प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे उनके पास मौजूद, और अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो हम भी वहाँ पर जाते हैं और उस काम को पूरा करने में उनकी उस सर्विस को वहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि उस काम को पूरा किया जा सके। तो सर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बिज़नेस आइडिया सर्च कर रहे थे, वो अर्निंग करना चाहते हैं, तो अर्निंग किस तरीके से की जा सकती है एज ए डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, थोड़ा डिटेल में और बताइए। सर ये एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। कोरोना में आपने देखा बहुत सारे बिजनेसेस ख़त्म हो गए, बहुत सारे बहुत ही बुरी कंडीशन में आ गए, बट ड्रोन एक ऐसा बिज़नेस था जो कि उस समय भी बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा था। और आपने देखा होगा कि पुलिस उसका इस्तेमाल कर रही थी लोगों को ऊपर निगरानी रखने के लिए, किसने मास्क लगाए हैं, किसने नहीं लगाए हैं, जो हमारे लॉकडाउन एरियाज थे उनके ऊपर निगरानी रख रही थी पुलिस। और उसके बाद जितने धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं वहाँ पर भी उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक एवरग्रीन टाइप की चीज़ होती जा रही है और इसमें जो है संभावनाएँ बढ़ रही हैं। तो हम इसमें कैसे कमा अपनी जो है अपना व्यावसायिक उपयोग देख सकते हैं, आप हमारे फ्रेंचाइजी बन सकते हैं, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं कहीं पर किसी स्पेसिफिक राज्य में या किसी शहर में, वहाँ पे आपको काम मिल जाएगा बहुत सारा। आपका जो नगर निगम है उनको अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने होते हैं, जो आपके पुलिस हैं उनको कई बार ऐसी जगहों पर रेड डालना होता है, कई ऐसे काम होते हैं जहाँ पे उन्हें ज़रूरत होती है। आपके यहाँ नहरें होंगी, नहीं पहुँच सकता, बिल्कुल वो जगह हैं, आपकी नहरें हैं, आपकी नदियाँ हैं, इनकी जब खुदाई होती है, सफाई होती है, तो कार्य के पहले, कार्य के दौरान, कार्य के बाद इंस्पेक्शन ड्रोन से होते हैं। सड़कें बननी हर जगह बनती हैं, सड़कों के बनने के बाद उसका इंस्पेक्शन ड्रोन से ही होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और वो अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करना आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि वो आपके क्षेत्र की बात है, आप वहाँ से उसको करके उस ऑर्डर को ले सकते हैं और आप हमारे साथ मिलकर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिए थोड़ा सर आपके ड्रोन वगैरह के बारे में। जी जी जी, थैंक यू। तो ये आप देख पा रहे हैं ये जो ड्रोन है ये आपका पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बना हुआ है,
ये जो ड्रोन है ये आपका जी ये पूरा कार्बन फाइबर से बना हुआ है। दिस इज 10 times स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड 4 times लाइट वेट। और ये जो है बहुत ही हाई परफॉर्मेंस आपको एक्यूरेसी देता है आपका। बहुत ही लाइट वेट है ये, और आपकी जो भी चीज़ें हैं इसमें हम आपको कस्टमाइज़ करके जो भी आपको कैमरे चाहिए, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल, नॉर्मल जो RGB कैमरा है या आपको थर्मल कैमरा है, हम वो आपको इंटीग्रेट करके इसके साथ या इस तरह के और रिग्स बना करके, कोई क्वाड कॉप्टर है, आपका हेक्साकॉप्टर है, जो भी है आपको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपको ये करके और हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं वो सोल्यूशन, जिससे कि आप इस्तेमाल करके अपने कार्य को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड पूरा कर सकते हैं एक वर्ल्ड क्लास लेवल पर। और इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आप पूरी तरह से आश्वस्त रह सकते हैं कि हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन और कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। यदि कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी की पूरी प्रोफाइल दी गई है, इनका एड्रेस दिया गया है, इनका गूगल लोकेशन का मैप दिया गया है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एज ए सिंगल यूज़ के लिए अगर आप लेना चाहें, आपको ज़रूरत पड़ रही है, आप एज ए यूट्यूबर हैं, ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, आपको ज़रूरत पड़ रही है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए आप काम करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हर जगह इसका इस्तेमाल होने वाला है, हर जगह फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी हो सकता है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप एज ए सिंगल पीस लेना चाहते हैं तो भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई सर्विसेज लेना चाहता है, जैसे आपने बताया कोई यूट्यूबर है, कोई ब्लॉगर है, कहीं आपको रिक्वायरमेंट हो रही है, आपको सर्विसेज की ज़रूरत है, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। सर्विसेज मतलब आपको ड्रोन लेने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे? अच्छा, आपको ड्रोन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑर्डर है जिसमें कि हमें कुछ काम करना है, ड्रोन से हमें सर्विसेज देनी है, अगर आप इस तरह से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप ऑर्डर लेकर के आते हैं, हम उसे कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल आपका जो है उसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट देखने के लिए, इसी तरह के नए नए बिजनेस आइडियाज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप नए हैं तो, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन लोगों तक इन प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, अपना कुछ बिजनेस कर पाएँ या फिर डायरेक्ट इनसे डील करना चाहें वो डील कर पाएँ, जिससे कि आप लोगों को भी दुआएं मिले और हमें भी अजीत बिजनेस आइडियाज़ को भी दुआएं मिले इस तरह के नए नए बिजनेस आइडियाज़ और इसी तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम।